वार्ड वासियों की मदद के लिए वार्ड 35 के पार्षद पति कर रहे हैं सेवा कार्य। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचा रहे हैं सूखी राशन सामग्री। कोरोना महामारी के दौरान गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए कई भामाशाह समाजसेवी लोग आगे आ रहे हैं। कोई खाना बांट रहा है तो कोई सूखा राशन। कोरोना महामारी में लागू लॉकडाउन के बीच गरीब लोगों को परेशानी हो रही है, जैसे ठेले वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रोज कमाने और खाने वाले लोगों के काम धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वार्ड 35 के पार्षद पति दिलावर चौहान अपनी गाड़ी में सूखी राशन सामग्री के किट लेकर मोहल्लों में जाकर ऐसे परिवारों को राहत सामग्री प्रदान करने में जुटे हुए हैं। इसमें आटा, चावल, आलू, प्याज, तेल आदि शामिल है। दिलावर ने बताया कि गत 19 अप्रैल से यह कार्यक्रम लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि 20 आटे के कट्टे कल नगर निगम ने भी उपलब्ध कराए थे। उनका मानना है कि कोरोना महामारी के संकट काल में उनका कोई वार्डवासी भूखा ना सोए, इसलिए वह हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचाने का काम करते रहेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इस तरह की सेवा करी जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी ने अपना प्रचंड रूप अभी दिखाया है, तो अभी जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और लॉकडाउन लगने के कारण सभी के व्यापार में, कोई ठेले वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी तरफ से एक ये छोटी सी पहल 19 अप्रैल से मैंने चालू करी थी और हम लगभग 40 से 45 परिवारों को इसका लाभ दे चुके हैं, जिसमें मैं अपने निजी खर्चे, स्वयं के खर्चे से इनको राशन सामग्री उपलब्ध करवा रहा हूँ, ताकि मेरी ओर से जो ये सेवा हो सके जितनी भी मैं कर सकूँ, क्योंकि इन्होंने, पूरे वार्ड की जनता ने मुझे विश्वास के तौर पर जिताया है कि भाई हमारे जब भी कोई परेशानी होगी तो हमारे पार्षद साहब यहाँ खड़े रहेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैंने 19 अप्रैल से एक पहल चालू करी थी, जिसमें मैं राशन सामग्री वितरित कर रहा हूँ, जिसमें हम आटा, चावल, तेल, आलू, प्याज, ये हम इनको उपलब्ध करा रहे हैं। कल हमें 20 कट्टे नगर निगम की तरफ से भी मिले थे, वो भी मैंने इन्हीं के बीच बांटे हैं। पहली बार हमें 20 कट्टे नगर निगम ने उपलब्ध कराए थे और ये निरंतर सेवा चालू है और जरूरतमंद परिवारों को हम उनकी मदद करके और ये सेवा कर रहे हैं। तो नगर निगम से जो 20 मिले उससे पूर्ति हो पाएगी क्या? नगर निगम से जो 20 मिले हैं उनसे कोई पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि परिवार ज़्यादा हैं, ऐसी समस्या जिनके साथ बीत रही है वो परिवार ऐसे ज़्यादा हैं। मैं, जैसे मैंने आपको बताया, 30-35-40 परिवार लगभग हम दे चुके हैं अभी, तो आगे भी हम ये सेवा चालू रखेंगे, चाहे हमें नगर निगम से मदद मिले चाहे नहीं मिले, जब तक हमारी श्रद्धा है हम ये सेवा चालू रखेंगे।